सुदीदी नमन स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द ग्रामर पोर्शन ऑफ चैप्टर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एज वी ऑल नो दैट द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इज इन हिंदी प्रतिबिंब, मीन्स इफ रिफ्लेक्शन यानी खुद को देखना. इन दिस प्रोनाउन द डूअर एंड रिसीवर बोथ आर सेम, मीन्स जो करने वाला होता है और रिसीव करने वाला होता है वो दोनों एक होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आंट मालू मेड ऑल द हर्बल प्रोडक्ट्स हरसेल्फ, यानी आंट मालू ने जितने भी हर्बल प्रोडक्ट बनाए वो खुद से बनाए. मीन्स आंट मालू बनाने वाला कौन है, डूअर कौन है? आंट मालू. और किसके लिए बनाए? खुद के लिए. तो रिसीवर भी कौन है? आंट मालू ही हैं. तो इट इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आंट मालू इज कॉल्ड हरसेल्फ फॉर लिसनिंग टू वीना. वीना को सुनने के बाद आंट मालू ने खुद को स्कोल्ड किया, खुद को ही मतलब क्रिटिसाइज़ किया या डांटा. इन दिस वे द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टेल अस दैट द डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन. यानी डूअर करने वाला और रिसीव करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टुक वन ग्लास ऑफ वाटर माई सेल्फ, मैंने एक गिलास पानी खुद से लिया. यानी जो काम किया वो हमने किया, मैंने किया, और किसके लिए किया? खुद के लिए किया. यू कैन सी अनदर एग्ज़ाम्पल, माई मदर प्रिपेयर्स लंच हर सेल्फ. माई मदर प्रिपेयर्स लंच हर सेल्फ, मेरी माँ खुद के लिए लंच तैयार करती है. तो इन दिस सेंटेंस हर सेल्फ यानी खुद के लिए, तो दिस इट इज़ द हर सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ मदर. मदर का रिफ्लेक्शन वर्ड क्या है? हर सेल्फ. सो हर सेल्फ इज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, एंड बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज वी विल अंडरस्टैंड दिस टेबल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं तो वन पर्सन एक व्यक्ति होता है, बात को शुरू करता है, दूसरे से कहता है और तीसरे के बारे में बात करता है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा. तो पहले बोलने वाला, बात शुरू करने वाला कौन है? आई. यानी आई कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन. और तुमसे पूछा, यू हो गया सेकंड पर्सन. और किसके लिए पूछा? ही, सीता के लिए या गीता के लिए या किसी के लिए भी. तो वो जिसके लिए पूछा वो कौन सा पर्सन हो गया? वो थर्ड पर्सन हो गया. तो इन दिस वे द फर्स्ट पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? जब अपने लिए. आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है और सिंगुलर नंबर है. लिसन केयरफुली, आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है बट सिंगुलर नंबर है. और आई का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है माई सेल्फ. आई टुक वन ग्लास ऑफ वाटर माई सेल्फ, मैंने एक गिलास पानी खुद से लिया. तो आई का रिफ्लेक्शन प्रोनाउन क्या हो गया? माई सेल्फ. एंड द प्लूरल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होगा? वी, यानी हम. जब हम एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम कैसे बात करते हैं? वी कंप्लीट अवर होमवर्क अवर सेल्फ. वी यानी हमने कंप्लीट किया अपना काम अपने आप से, खुद से. तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, और प्लूरल में हो जाएगा वी. आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? माई सेल्फ. और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अवर सेल्फ. इन हिंदी, आई मैं, मैंने खुद से, और वी हम, और अवर सेल्फ हमारे लिए.
नाउ सेकेंड पर्सन यू. सेकेंड पर्सन कौन है? जब हम किसी से बात करते हैं जो दूसरा होता है वो कौन होता है? यू. आई टोल्ड यू टू ड्रिंक मिल्क. मैंने तुमसे कहा था दूध पी लो. आई टोल्ड यू टू ड्रिंक मिल्क. तो किससे कहा मैंने? तुमसे. तो तुम कौन हो गए? सेकेंड पर्सन. यानी सेकेंड पर्सन हमारा क्या है? यू. एंड यू तुम और योर सेल्फ तुम्हारा. ओके. यू कंप्लीट योर वर्क योर सेल्फ. तुम अपना काम स्वयं करो, खुद से करो. तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर सेल्फ. एंड प्लूरल सेम है सेकेंड पर्सन में. यू सिंगुलर भी है एंड यू प्लूरल भी है. अगर हम किसी एक व्यक्ति से बात करते हैं तब भी हम यू यूज़ करते हैं, और जब हम एक से ज़्यादा दो तीन लोगों से बात करते हैं तब भी हम यू ही यूज़ करते हैं. नाउ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में ही शी इट. ही वी यूज़ फॉर मेल, शी यूज़ फॉर फीमेल, एंड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स. देन यू ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क हिमसेल्फ. वो अपना काम अपने आप करता है. शी कुक्स फूड हरसेल्फ. वो खाना खुद बनाती है. इट कंप्लीट द वर्क इट्सेल्फ. ये अपना काम खुद से करते हैं. ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ, वह और उसका. शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ, वह और उसका. इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट इट्सेल्फ, वह यह और या यह या वह और उसका. ओके. एंड द प्लूरल नंबर ऑफ थर्ड पर्सन इज दे. दे यानी वे. दे कंप्लीट देयर वर्क देमसेल्व्स. वो अपना काम स्वयं करते हैं. दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? देमसेल्व्स. इन दिस वे द फर्स्ट पर्सन इज आई एंड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ आई इज माई सेल्फ. एंड प्लूरल वी. वी का अवर सेल्फ्स. सेकेंड पर्सन यू. यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ. थर्ड पर्सन ही शी इट. ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ. शी का हरसेल्फ. इट का इट्सेल्फ. एंड थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे. दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स. ओके. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. एंड नाउ वी विल स्टार्ट टू डू अवर एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड अवर सेल्व्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आई एम टीचिंग myself to play the drums with the help of a website. This is an example, and so we will do B number. Thank you for inviting us to the party. Thank you for inviting us to the party. We enjoyed dance thoroughly. Here we use the reflexive pronoun of we. तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? अवर सेल्फ्स. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू द पार्टी. हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद. वी एंजॉयड अवर सेल्फ्स थॉरली. हमने पूरी तरह से अपने आप को एंजॉय किया. तो द आंसर इज अवर सेल्फ्स. सी नंबर. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द रेस. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द रेस. शी. शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ. वह अपने आप को रेस के लिए तैयार कर रही है. शी इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द रेस. डी नंबर. ही कीप्स लुकिंग एट हिमसेल्फ. ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ. तो ही कीप्स लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर ऑल डे. ई नंबर. प्लीज़ रिमाइंड डैश यू मस्ट नॉट मिस द शो. हेयर यू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ यू इज योर सेल्फ. प्लीज़ रिमाइंड योर सेल्फ. अपने आप को खुद रिमाइंड करना. यू मस्ट नॉट मिस द शो. तुम्हें शो को मिस नहीं करना है. तो किसने रिमाइंड करना है? खुद को रिमाइंड करना है. तो प्लीज़ रिमाइंड योर सेल्फ. ओके. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर. बी नंबर. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस टू द पार्टी. वी एन्जॉयड अवर सेल्फ थॉरली. She is preparing for the race. She is preparing herself for the race. He keeps looking at himself in the mirror all day.
ई नंबर प्लीज रिमाइंड योर सेल्फ यू मस्ट नॉट मिस द शो. यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. नाउ सेकेंड नंबर सर्कल द करेक्ट आंसर. इन दिस एक्सरसाइज यू विल सर्कल और टिक द करेक्ट आंसर. आई विल कुक डिनर फॉर जेनी एज शी इज टू यंग टू यूज द स्टोव. जोसेफ कैन कुक फॉर हिमसेल्फ. यू विल टिक हिमसेल्फ. बी वी आर हंग्री. वी आर गोइंग टू बाय अस और आवर सेल्फ सम स्नैक्स. देन वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? आवर सेल्फ्स. तो द राइट आंसर इज आवर सेल्फ्स. यू विल टेक आवर सेल्फ्स. सी आदित्य हर्ड हिम और हिमसेल्फ व्हेन ही वाज कटिंग द केक. द राइट आंसर इज हिमसेल्फ. डी नंबर द एलिफेंट काफ इज वॉशिंग इट्सेल्फ्स या इट्सेल्फ इन द पॉन्ड. इट्सेल्फ्स वी यूज फॉर प्लूरल एंड इट्सेल्फ फॉर सिंगुलर. तो द एलिफेंट काफ इज सिंगुलर सो आंसर इज इट्सेल्फ. द एलिफेंट काफ इज वॉशिंग इट्सेल्फ इन द पॉन्ड. ई नंबर आई लाफ व्हेन आई लुक्ड एट माईसेल्फ और मी इन द मिरर. आई लाफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ आई इज माईसेल्फ सो द आंसर इज myself. I laughed when I looked at myself in the mirror. There was paint on my nose. F number children, here are some fruits. Please help yourselves, not you. The answer is yourselves. Okay, once again I am repeating the answer. I will cook dinner for Jenny as she is too young to use the stove. Joseph can cook for himself. B. We are hungry. We are going out to buy ourselves some snacks. C. Aditya hurt himself when he was cutting the cake. D. The elephant calf is washing itself in the pond. E. I laughed when I looked at myself in the mirror. There was paint on my nose. F. Children, here are some fruits. Please help yourself. Students, you will do these exercise in your book, and tomorrow we will do word meaning and question answer. Till then, have a nice day.